वाले काहे को दुनिया बनाए, काहे को दुनिया बनाए। भगवान अद्भुत है, उनकी ये रचना अद्भुत है। देखो तो कितनी अद्भुत रचना है। अच्छा, हम विचार करते कई बार, हमें कई बार अपने साधु भारतीय संत देखने में बड़े यौवन संपन्न लगते और बड़े सुंदर लगते। हम कई बार विचार करते कि जब उनकी रचना इतनी सुंदर है, वो कितने सुंदर नहीं। भगवान की कृति इतनी सुंदर है, भगवान कितने सुंदर नहीं। हम लोग विचार करो, संसार के सौंदर्य पर हम लोग लुट जाते, पीछे पड़ जाते उसके। माया करो मोला, कहते ना माया करो मोला। ये हमारे दादा गुरु जी का पात्र है। खोपड़ी, इसका नाम है खोपड़ी। अच्छा, खोपड़ी क्यों? खो और पड़ी है, इसलिए खोपड़ी। ये हमारी याद है साहब, हमारे गुरुदेव की याद है। और गुरुदेव की पहचान, शिष्य का धर्म है, भूलना नहीं चाहिए। हम आपको बता रहे थे कि हम लोग सोचते हैं कि बताओ कितना सुंदर है। आप विचार करो, ये संसार के सुंदर में हम लोग फंस जाते। कभी एक झलक हमारे रघुनाथ को देखना, दुनिया पर तुम्हें पुसाएगी ही नहीं। क्या है, हमें भक्तमाल का एक चरित्र याद है। एक कोई साधु बने बाद में, एक व्यक्ति था, वो नृत्य देखने गया। नृत्य तो जानते हो ना, नचनारी होती नर्तकी, वो बड़ी सुंदर थी। वो थी गड़िका, गड़िका का मतलब समझ जाओ, गड़िका देह बेचने वाले। वैसे पुराने समय में उसे नधर नगर वधु कहते थे। अब ये बात बोलेंगे तो किसी को असभ्य लगेगी हमारी भाषा, डौ की बहुत लोगों की, अब समझ गए होंगे। तो वो बड़ी सुंदर थी, वो व्यक्ति उसके सौंदर्य रूप में फंस गया। अच्छा, वो इतनी सुंदर थी कि जो व्यक्ति उसके रूप में फंसा, वो दिन भर उसी तरफ देखता रहता था। कहीं जाए भी तो वो तो सीधी चलती थी, ये उल्टा चलता, मुख उसकी तरफ उल्टा। धक्का खा रहा, गिर रहा, पत्थर खा रहा, लोग कहते थे कितना मूर्ख। उसने कहा कि मूर्ख तो है, पर जो रस इसके मुख में है, रूप रस, वो कहीं नहीं। करूं तो करूं क्या? उस वक्त के महापुरुष आचार्य गंगाचार्य, हाँ, उस वक्त एक महापुरुष विराजमान थे। उनको खबर लगी कि एक व्यक्ति इतना पागल है कि अपनी डौकी को ही दिन भर निहारता रहता। वैसे तो बहुत लोग पागल हैं, बहुत लोग, और कोई फोटो भर पे देखता है, कोई डायरेक्ट, वो भी पागल था। आप लोग नहीं हो, आप लोग तो बहुत सज्जन हो, बहुत सज्जन। ऊपर इंद्र की सभा के लोग, नीचे आप लोग, आप पर तो आरोप लगाना मतलब मुंह की खानी है, क्योंकि अभी 2 दिन हमें कथा करनी भी है। साकुशल जाना, अभी हमें पराये घर भी तो जाना है। उम्र ही क्या हुई, 25 साल, आपकी बुराई कर ही नहीं सकते। और करूं तो हमको कुछ नहीं। वो व्यक्ति खूब देखता था, तो उस वक्त के आचार्य ने कहा कि इधर आओ, महात्मा ने। उसने कहा मैं आऊंगा, पर मेरे साथ वो आएगी। महात्मा ने कहा क्यों?
बोले मेरी आदत है कि मैं उसको देख करके ही आपसे बात करूंगा। महात्मा ने कहा बड़ी गजब बीमारी है, ठीक है भाई लाओ। गड़िका भी वो आई, वो व्यक्ति भी गया, बात महात्मा से कर रहा, देख डौकी को रहा। महात्मा ने कहा बड़ा पागल आदमी, अरे भाई तू चरणामृत तो ले। तो गड़िका ने ही जब डांटा डपटा कि महात्माओं के सामने तो लाज शर्म खाओ, बड़े बेशरम हो, इधर तो लाज शर्म खाओ, ईश्वर से तो डरो। तो थोड़ा फिर उसका मन पलटा के हाँ, और कई बार ऐसे लोग भगवान की भक्ति करते भी हैं, पत्नी की डांट पर लुगाई की डांट लग जाए तो फिर भक्ति करते हैं, और करनी पड़ती है, नहीं करेगा तो बेलन खाएगा। तो उसने कहा ठीक है। गड़िका थोड़ा बाहर तक गई, ये महात्मा जी के साथ अंदर चरणामृत लेने गया। सत्य घटना हम आपको बता रहे, जैसे ही मंदिर पहुंचा, और इसकी आदत थी रूप रस सुधा गड़िका के मुख को देखने की, लेकिन जैसे ही अंदर गया, चरणामृत लिया और चरणों से निगाह हमारे माधव के मुख पर पड़ी, लौट कर फिर नहीं मुड़ा दुनिया की। वो लावण्यमय रूप भगवान का, वो घुंघराली लटें भगवान की, वो बड़े बड़े कपोल, वो लाल लाल होंठ, वो सफेद दंतावली, वो भगवान के गले में वैजंती माला, वो भगवान का सौंदर्य भरा हुआ स्वरूप, जहां एक झलक पड़ी गुरु कृपा से, सोई दुनिया की सुंदरता फीकी लगी और गोविंद की सुंदरता दिल में छा गई। जब तक देखो, ऐसे समझो, आज से 30 साल पहले कोई अगर कहता कि ऐसा मोबाइल आएगा कि घर बैठे हुए विदेश में बात कर पाओगे, तो 30 साल पहले जब कोई व्यक्ति ऐसा कहता था तो आश्चर्य लगता था कि झूठ बोल रहा है। लेकिन आज आश्चर्य लगता है क्या, बोलिए? नहीं। उसी प्रकार जब तक आपने संसार के लोगों को देखा, तब तक आपको दुनिया सुंदर्य सौंदर्य दिखाई पड़ रही है। जिस दिन तुम हमारे राघव को देखोगे, ये आंखें कहीं और टिकेंगी ही नहीं।